के साथ सपना शुक्ला आज दुनिया भारत की ताकत को देख रही है। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत को दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। G20 को लेकर नई दिल्ली में मीटिंग हो रही है और नई दिल्ली में लीडर्स डिक्लेरेशन को सहमति भी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया है। तो G20 सम्मेलन चल रहा है और ऐसे में आपको बताया कि G20 के लीडर्स डिक्लेरेशन को सहमति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे सेशन वन अर्थ पहले सेशन के बाद वन फैमिली सेशन में ये तमाम बातें कही और सहमति को लेकर जानकारी भी दी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली में महाशक्तियों का महामंथन चल रहा है। पहला जो सेशन था वो वन अर्थ का था जिसमें एक के बाद एक दो आज उपलब्धि भारत के नाम हुई। अभी एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। और दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन चल रहा है। G20 समिट का दूसरा सत्र इस वक्त जारी है। इस थीम में वन फैमिली रखी गई है। जो दूसरा सत्र है उसकी थीम है वन फैमिली और इसी पर चर्चा हो रही है। 27 से ज्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और प्रतिनिधि दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद है, जिनमें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हैं, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल हैं। G20 समूह सदस्यों और 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा इस वक्त भारत मंडपम में लगा हुआ है। पहला सत्र वन अर्थ का खत्म हुआ, दूसरा सत्र अब वन फैमिली का, जिस पर चर्चा हो रही है। पहले सत्र में ही भारत ने अपना लोहा मनवाया, पहला एक देश को स्थायी सदस्यता दिलवाई और दूसरा नई दिल्ली को लीडर्स डिक्लेरेशन में जो है शामिल किया है। तो भारत की ताकत दुनिया आज देख रही है और ये भी देख रही है कि बदलते दौर के साथ में भारत आज कहां खड़ा हुआ है और इस तरीके से सफलता के साथ हमने G20 का ये सम्मेलन आयोजित किया है। और अब आपको दिखाते हैं G20 समिट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अफ्रीकन यूनियन को सर्वसम्मति से मिली G20 की स्थायी सदस्यता। G20 समिट शुरू होते ही पीएम मोदी ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने ही की थी अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाने की पहल। G20 समिट का आज पहला दिन दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। पीएम मोदी ने समिट से पहले सभी मेहमानों का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत मंडपम पहुंचे, यहां पीएम मोदी ने उनका वेलकम किया। बाइडेन को पीएम मोदी ने कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी पीएम मोदी ने वेलकम किया। इस दौरान ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को नमस्ते कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, मिस्र के राष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। G20 मीटिंग के लिए पीएम मोदी भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी ली और तैयारियों के बारे में जाना। G20 समिट में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के बाद विश्वास के अभाव का संकट आया है। युद्ध ने इस संकट को और ज्यादा गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा में विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं।
पीएम मोदी ने विश्व में विश्वास का संकट बताकर सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं।